यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के केंद्रीय आदर्श कारागार का एक कैदी उस वक्त फरार हो गया जब उसे डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज लाया गया था। कैदी अस्पताल में भर्ती था और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बता दें, कैदी 2011 में खून के अपराध में आजीवन कारावास काट रहा था। वहीं पुलिस ने जिला में सभी स्थानों पर नाकाबंदी कर दी है और जंगलों में तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी फरार कैदी की तस्वीर डाली गई है और सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। तो आपको बता दें, कारगार जो नाहन में है वहां से एक कैदी फरार हो गया है जिसे 2011 में एक खून के मामले में कैदी करार दिया गया था। जी हां, वो वहां से फरार हो गया है और फरार उस समय हुआ जब वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। अब पुलिस ने कैदी की तलाश के लिए नाकाबंदी शुरू कर दी है और साथ ही सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर भी डाल दी है ताकि जो उस कैदी को जान पाए उसकी तस्वीर से उसे पहचान कर पुलिस को सूचना दे दे और साथ ही 10,000 की नकद इनाम राशि भी घोषित की हुई है।